मैं अपनी ही उलझने नहीं सुलझा पा रही ताई, दूसरों के प्रॉब्लम क्या ही निपटाऊंगी। उसे कुछ दिन घर पर रहने दीजिए, एक बार इस मामले को थोड़ा शांत हो जाने दीजिए, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा उसे। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो इस पद से इस्तीफा ना दे। वाह दीप्ति, क्या कमाल का आइडिया है, छत पर बड़े पर्दे पर फिल्म, क्या बात है यार। पापा, टेरेस पर फिल्म कैसे देखेंगे? वो तेरे चिराग अंकल का प्रॉब्लम है, वो देख लेगा। अच्छा दीप्ति, महेंद्र काका, राधा काकू और आशावरी को भी बुलाएं। नहीं अश्विन, इस बार सिर्फ फैमिली, सबको इकट्ठा नहीं करते हैं। माँ को सरप्राइज देना है और आपस में अच्छे से शाम बितानी है। ठीक है। पॉपकॉर्न और समोसे भी इंटरवल में अरेंज करेंगे। ठीक है। मम्मी आज कुछ पॉपकॉर्न और समोसे खाने के लिए फिल्म देखने जाती है। और सुरा के लिए आइसक्रीम भी। थैंक यू। बच्चे मुझे सरप्राइज दे दें, किशोर कुमार की फिल्म दिखाने वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पा, पुष्पा, ये पुराने जमाने की फिल्में कभी धूप कभी छाव से कैसे निपटना है वो सिखाती थी। नहीं बिल्कुल, देखना कल उदास थी आज खुश हूँ। अच्छा ना, आज बारिश नहीं है। हाँ हाँ माँ, हाँ यहाँ आओ ना। रत्ना बता रही थी कि कल सोनल बनाई थी तो बड़ा हंगामा हुआ था, पर आज ये सब। पुष्पा के घर में क्या चलता रहता है कुछ समझ भी नहीं आता। बापोतरा को अच्छे से निपट लेते हैं हर उदासी से तो अच्छा ही है ना। सुशीला, हाँ एक सेकंड है ना। आई तेरे को हरिजन चलेगी क्या? हाँ, यार पन्नू चल कर प्लीज, हम कल मूवी देखने चलेंगे। आज दीप्ति भाभी ने इतना सब अरेंजमेंट किया है, आज सबके साथ खुशी मनाते हैं। Come on, Pannu. Smile now. चिराग, एक सेकंड इधर आना। घर की चौखट पर फिर से प्रार्थना की खुशियों की बलि चढ़ी है। इशिराक, इधर। क्या ये सब? पापा वो मैं और पन्नू मूवी देखने जाने वाले थे, पर दीप्ति भाभी ने इतना सब अरेंजमेंट किया है तो प्रार्थना को बिना बताए तूने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली पापा मुझे खुद भी लेट पता चला और आते यहाँ पर तैयारियां करने लग गया, इसीलिए। ऐसी बातें बहुत नाजुक होती है चिराग, जानता है तू प्रार्थना को, उसके दिमाग में कोई बात घर कर जाती है तो कर जाती है, ना वो बोल पाती है ना सहन कर पाती है। कभी कभी उसको भी अपनी प्रायोरिटी बनाया कर, समझा? अब खड़ा क्या है, जाके सॉरी बोल भाई। जी पापा। पन्नू, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुझे बताने ही वाला था कि आज का हमारा मूवी का प्लान कैंसिल करते हैं। पूरा परिवार साथ हो, घर का बिगड़ा हुआ माहौल सुधरे, इसीलिए दीप्ति भाभी ने यह प्लान किया है। हम कल मूवी देखने जाएंगे पक्का, आई प्रॉमिस। कल को चोर आ जाएगा चिराग, वो फिर सबके बारे में, घर के बारे में पहले सोचेगा। इट्स ओके चिराग, जब प्लान होगा तब देखेंगे। कमिट मत कर,
जब तू वो कमिटमेंट पूरा ही नहीं कर सकता। प्लीज चिराग चाचू, प्रार्थना आंटी, मूवी स्टार्ट होने वाली है, चलो। जा रहा था ना हॉस्पिटल, तू जाने की क्या जरूरत थी? चोट लगी थी, मैं देख लेता, पर नहीं, तुझे हजम नहीं होता है, तुझे हर जगह स्वयं प्रकट होना होता है। मैं आपको पता है ना सुना कब आती, आप ही रुक जाती घर पे। इसलिए मैं अलग फेस चाहती थी, ये कहा सुनी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। राशि को लेकर मैंने कहा था तेरे को, अभी छोटी शूट पे मत जाने, देख हो गया हादसा इसके साथ, फिर तुझे कुछ बोलो तो बुरा मान जाती है। भाई सच कहता है मम्मी, कभी कभी तू इतनी इज्जत करती है ना कि समझ ही नहीं आता कि कैसे डील करें तुझसे। और अब खुद कैसे राशि को देखने दौड़ी दौड़ी चली गई हॉस्पिटल, आपने आगे पीछे का कुछ देखा नहीं ना? आ गई पुष्पी, कैसी रही आज स्कूल? अच्छी थी बाबूजी, लेकिन हादशा का काम छोड़ के आप ये क्या कर रहे हैं? बारिश का मौसम है, तेरे नाम का पौधा लगा रहा हूँ। जैसे जैसे तू बड़ी होगी तेरे साथ साथ ये पौधा भी बढ़ता जाएगा, तू एक चंचल लड़की से स्त्री बनेगी और ये पौधे से बड़ा वृक्ष। अब लाओ मैं आपका हाथ बटाती हूँ, पानी डालू? नहीं, मैंने डाल दिया, अब और नहीं। पानी और पोषण का भी अपना प्रमाण होता है, हद से ज्यादा मिले तो भी हानिकारक हो सकता है। ऐसे कैसे बाबूजी? ज्यादा पानी डालेंगे तो पौधा और जल्दी बड़ा होगा ना? अरे वो ना होए बेटा, पानी, खाद, धूप, छांव, ये सब एक मात्रा में मिले तो काम के, वरना नाम के। तू इसके बारे में और जानेगी तब तुझे पता चलेगा। बीज से पौधा, पौधे से वृक्ष, और फिर वृक्ष की शाखाएं, जैसे तू मेरी शाखा है। ये वृक्ष फल देगा, मुसाफरों को छांव देगा, पंछियों के लिए घर बनेगा। लेकिन हमेशा पंछी एक पेड़ पे थोड़ी रहते, वो तो उड़ जाते हैं ना? उड़ जाना वो भी तो उनका धर्म है बेटा, ईश्वर ने पंख दिए हैं उनको, एक जगह पे रहना उनका स्वभाव नहीं। वृक्ष पर हैं तब तक घर, और उड़ जाए तो पूरा आसमान है उड़ान भरने को। लेकिन वृक्ष को कितना बुरा लगता होगा ना, पंछी ऐसे उड़ जाते हैं तो? वृक्ष मोह नहीं करता, माया नहीं बांध, निस्वार्थ होकर वो तो पनाह देते हैं। वृक्ष तो अपने कंधे देते हैं पंछियों को और ऊपर उड़ने के लिए, जैसे माँ बाप सहारा देते हैं अपने बच्चों को।
वृक्ष मोह नहीं करता, माया नहीं बांधता, निस्वार्थ होकर वो तो पनाह देते हैं। वृक्ष तो अपने कंधे देते हैं पंछियों को और ऊपर उड़ने के लिए, इसे माँ बाप सहारा देते हैं अपने बच्चों को। तुम सबने घर में हुई हर गलती के लिए बड़ी आसानी से मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। अश्विन मीटिंग में नहीं पहुंचा, राशि को चोट लग गई, घर में गैस लीक हो गई, डब्बे से तेल बाहर आ गया, इस सब का जिम्मेदार कौन? पुष्पा, दीप्ति और प्रार्थना अलग होना चाहते हैं, मैंने उन्हें रोकना चाहा तो गलत मैं, परिवार को जोड़कर रखना चाहा तो कसूरवार में। मैंने वृक्ष बनकर फल फूल छांव पना सब दी, पर तुम लोग पंख लेकर जन्मे हो, उड़ना तुम लोगों का धर्म है और मोह माया ना रखना मेरा, इसीलिए आज के बाद ना तो मैं कोई फैसला लूंगी और न ही तुम लोगों के किसी फैसले में दखलंदाजी करूंगी। आज से, इस घड़ी से, मैं फैसला लेने के काम से और माँ की इस पति से राजीनामा देती हूँ। आज के बाद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे, उसमें मेरा कोई दखल नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.